अटल टनल रोहतांग को बीएसएनएल ने 4G कनेक्टिविटी से लैस कर दिया है। ये दुनिया की पहली टनल होगी जिसमें 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है। टनल के अंदर 25 Mbps की स्पीड होगी, वहीं तेज गति वाहनों में 10 Mbps की हाई स्पीड मिलेगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 अक्टूबर को इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा। दुनिया की अत्याधुनिक तकनीक से तैयार अटल टनल रोहतांग बीएसएनएल ने 4G कनेक्टिविटी से लैस किया है। इसकी पुष्टि करते हुए महाप्रबंधक बीएसएनएल मंडी जोन DN कात्यायन ने कहा कि अटल टनल रोहतांग टनल के अंदर 25 Mbps की स्पीड रहेगी और तेज गति वाले वाहनों में 10 Mbps की हाई स्पीड मिलेगी। वहीं उन्होंने कहा कि धुंधी टनल के मुख्य द्वार के समीप IPBX उपकरण स्थापित किए गए हैं। इससे टनल के साथ लगते क्षेत्रों में लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और हॉटलाइन की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। वहीं कुल्लू और मनाली के बीच 34 किलोमीटर तक अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क को दुरुस्त कर चालू कर दिया गया है। आपको बता दें कि 10,000 फीट पर स्थित दुनिया की सबसे लंबी रोड टनल बनकर तैयार हो गई है। इसे बनाने में 10 साल लग गए, लेकिन अब इससे लद्दाख साल भर पूरी तरह से जुड़ा रहेगा। साथ ही इसकी वजह से मनाली से लेह के बीच करीब 46 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है और इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। स्पीति की जनता को जिस टनल के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार था, वह अटल टनल रोहतांग टनल बनकर तैयार है और 3 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन कर इसे देश सेवा में समर्पित किया जा रहा है। यह टनल 3000 मीटर 10,000 फीट से ऊपर बनी हुई दुनिया की सबसे लंबी टनल है और लगभग 9 किलोमीटर लंबी है। इससे लेह और मनाली के बीच की दूरी 46 किलोमीटर की लगभग कम हो गई है। रणनीतिक और सामरिक दृष्टि से अटल टनल भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अटल टनल के रणनीतिक और सामरिक महत्व को देखते हुए और सीमा सड़क संगठन BRO के आग्रह पर इस टनल में सुचारू और निर्बाध संचार कनेक्टिविटी मुहैया करवाने के लिए BSNL द्वारा दिन रात मिशन मोड में कार्य करके और 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर में कार्य करके महीने के भीतर ही 4G दूरसंचार उपकरण स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त BSNL द्वारा धुंधी में IPBX उपकरण स्थापित किए गए हैं, जिससे टनल के साथ लगते क्षेत्रों में लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड और हॉटलाइन इत्यादि की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। मुझे यह बताते हुए अत्यधिक प्रसन्नता और गर्व महसूस हो रहा है कि इस टनल में BSNL द्वारा 4G कनेक्टिविटी मुहैया करवाई गई है, जिससे टनल में लगभग 25 Mbps की स्पीड मिल रही है सबको और इवन तेज गति वाहन जो कि 70 या 80 किलोमीटर की लिमिट है इस टनल के अंदर, पर भी लगभग 10 Mbps की हाई स्पीड उनके मोबाइल में मिली। BSNL द्वारा कुल्लू और मनाली बाएं किनारे के मध्य लगभग 34 किलोमीटर तक अपने ट्रांसमिशन नेटवर्क जो कि फोर लेनिंग के कारण बुरी तरह खराब हो चुका था, वो भी मिशन मोड में दुरुस्त कर दिया गया है, जिससे कि बहुत ही हाई स्पीड की सुविधा मनाली और उसके आगे मिल सके। BSNL द्वारा सार्वजनिक सेवा प्रदाता की अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए अटल टनल में सुचारू और अबाध संचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 1 महीने के अंदर ही संपूर्ण व्यवस्था कर अपना दायित्व निभाया है और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अटल टनल के उद्घाटन के अगले ही क्षण से हाई स्पीड के साथ संचार सुविधाएं इस टनल से गुजरने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।